आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल नई उम्मीदों के साथ आ चुका है, लेकिन 2015 में जुर्म का ग्राफ बढ़ा। बेक ऑफ अपराधियों ने खौफनाक वारदातों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन फिर भी साल 2015 में कुछ मिस्ट्री रह गया। क्या है वो मिस्ट्री, देखिए। शीना बोरा, सुरंदा पुष्कर और किमसी जैन, ये नाम साल 2015 में मिस्ट्री के उस मुकाम तक पहुंचे जिसने पूरे देश के होश उड़ा कर रख दिए। रिश्तों की दुनिया भी एक अजीब ही दुनिया होती है। कहने को तो एक इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते खून के होते हैं और बाकी सब नसीब से बनते हैं। खास बात यह भी है कि रिश्तों की ये दुनिया जितना सुकून देती है उतनी ही उलझने भी पैदा करती है, क्योंकि कभी रिश्ते फूलों की तरह महकते हैं तो कभी कांटे बनकर जिंदगी का सुख और चैन छीन लेते हैं। लेकिन नसीब से बने रिश्तों से अलग कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बनते नहीं, बल्कि किन्हीं वजहों से बनाए जाते हैं। कुछ रिश्ते जताए जाते हैं तो कुछ रिश्ते सिर्फ दिखाए जाते हैं। आज हम आपको रिश्तों की उलझी टोर पर पड़े जुर्म के साए से रूबरू कराएंगे। वो रिश्ते जो पति पत्नी के बीच है, माँ बेटी के बीच है, भाई बहन के बीच है, लेकिन इन्हीं रिश्तों का खौफनाक अंजाम साल 2015 को दागदार कर गया। ऐसा ही एक रिश्ता था एक माँ और बेटी के बीच, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तब तक हो चुका था रिश्तों का कत्ल। जुर्म को अंजाम तो साल 2012 में दिया गया, लेकिन इसका पर्दाफाश हुआ साल 2015 में। इंद्राणी मुखर्जी ये वो नाम है जो इस साल देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया। इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बेटी शीना बोरा का बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसे उस जमाने के सामने अपनी बहन बताती थी। रिश्तों में उलझी डोर का एक और खौफनाक सच आज हम आपको दिखाएंगे। जुलाई 2014 में सुनंदा की मेडिकल रिपोर्ट से साफ हो गया कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं, बल्कि सुनंदा को जहर दिया गया था। सुनंदा पुष्कर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के पत्नी थी। मौत के इस हाई प्रोफाइल मामले में कब कब क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे, और साल 2015 में क्यों रहा सुर्खियों में ये भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिसंबर 2015 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को खौफ से भर दिया। एक करोड़पति कारोबारी का शव यहां गड्ढे से बरामद हुआ, जिसे कत्ल के बाद दफना दिया गया था। सुर्खियों में आई किमसी का आखिर मृतक अभिषेक से क्या कनेक्शन था, अभिषेक के साथ क्या हुआ, किसने उसकी हत्या कर उसके शव को इस तरह से गड्ढे में दफनाया था, आखिर एक बिजनेसमैन एक बड़े ग्रुप के डायरेक्टर के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, आखिर अभिषेक की हत्या क्यों की गई, इन सब सवालों का जवाब हम आपको आगे देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आखिर क्यों इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा की जान ले ली? स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मीडिया जगत में एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा है। फिर ऐसी क्या वजह रही कि एक माँ अपनी ही बेटी की कातिल बन गई? इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा के रिश्ते की पहेली का सच जब दुनिया के सामने आया तो होश उड़ा देने वाले खुलासे ने पूरे देश को सन्न कर दिया और सवालों के घेरे में आ गया इलीट क्लास, हाई प्रोफाइल सोसाइटी और इसमें पलने वाला जुर्म। देश के इलीट क्लास यानी उच्च वर्गीय बिरादरी में इंद्राणी अपने स्टाइल और कम वक्त में शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए भी चर्चित रही है। यही नहीं, देश के रसूखदार और दौलतमंद लोगों के बीच उनका उठना बैठना रहा है। लेकिन जिस तेजी से कामयाबी के आसमान पर इंद्राणी मुखर्जी का सितारा चमका, उतनी ही तेजी से वो टूटकर उस वक्त जमीन पर आ गिरा जब उन्हें शीना बोरा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2012 में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में अब उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जितनी चौंकाने वाली इंद्राणी की गिरफ्तारी रही है। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी की ये कहानी कई धागों में उलझी हुई है और हर धागे में छिपा है एक रहस्य। इंद्राणी के रिश्तों की उलझन का सबसे अहम पहलू उनकी बेटी शीना बोरा ही थी जिनके कत्ल का इल्जाम उन पर लगा है। दरअसल इंद्राणी मुखर्जी अपने फ्रेंड सर्कल में शीना बोरा को अपनी बहन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती थी। उन्होंने अपने तीसरे पति स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को भी यही बताया था कि शीना बोरा उनकी बहन है,
लेकिन इंद्राणी मुखर्जी का ये राज उस वक्त खुल गया जब उन्हें शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। खुद इंद्राणी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गुवाहाटी में ही हुई थी, लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ चंद सालों में ही गुवाहाटी की एक आम से लड़की मुंबई की माया नगरी में बन गई माया मेम साहब। इंद्राणी मुखर्जी की उड़ान ऊंचे शिखर तक पहुंच गई, जहां बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और इंद्राणी उनके लिए एक ऐसा नाम जिसकी मुट्ठी में पूरे 17 टीवी चैनल थे। इंद्राणी मुखर्जी ने असम के एक मध्यम वर्गीय परिवार से मुंबई की मीडिया जगत के सबसे युवा सीईओ के शिखर तक ऊंची उड़ान भरी। इंद्राणी की कामयाबी की यह कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही हैरतअंगेज भी है। इंद्राणी की कामयाबी के केंद्र में उनकी महत्वाकांक्षा की वो कहानी भी छुपी है जिसके बीच करीब 30 साल पहले गुवाहाटी में पढ़ चुके थे। मेघालय की राजधानी शिलांग के मशहूर लेडी के कॉलेज से इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद इंद्राणी ने शिलांग को अलविदा कह दिया और नौकरी की तलाश में वो पहले जमशेदपुर गई और फिर नई दिल्ली होते हुए कोलकाता जा पहुंची। लेकिन इस दौरान इंद्राणी बोरा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ घटा था जिसका जिक्र उन्होंने कभी किसी से खुलकर नहीं किया। शिलांग में जब इंद्राणी मुखर्जी पढ़ रही थी तभी वो पहली बार सिद्धार्थ दास नाम के शख्स के संपर्क में आई थी। सिद्धार्थ से उनको पहले प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर दी और इस रिश्ते से उनकी बेटी शीना बोरा हुई थी, जिसके कत्ल का इल्जाम अब इंद्राणी मुखर्जी पर लगा है। सिद्धार्थ दास से इंद्राणी को एक बेटा मिखाइल बोरा भी हुआ। शीना और मिखाइल इंद्राणी मुखर्जी के ही बच्चे हैं और सिद्धार्थ दास उनके पहले पति हैं। ये बात इंद्राणी के उस शपथ पत्र से भी साफ हो चुकी है जो उन्होंने अपने पहले पति सिद्धार्थ दास से तलाक लेते वक्त अदालत में दाखिल किया था। साल 1990 में अपने बच्चों को अपने माँ बाप के हवाले करने के बाद इंद्राणी बोरा ने कोलकाता में एक नया अवतार लिया। इस शहर में इंद्राणी बोरा ने एक नए हमसफर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए संजीव खन्ना के साथ दूसरा ब्याह रचा लिया था और इस तरह वो इंद्राणी बोरा से इंद्राणी खन्ना बन गई थी। इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना का वायरलेस के अलावा हेरिटेज टूरिज्म का कारोबार बताया जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता के चौरंगी पार्क स्ट्रीट एरिया में वो एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। शीना बोरा मर्डर केस में संजीव खन्ना को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। संजीव खन्ना के मुताबिक वो इंद्राणी से 1990 में मिले थे। वो एक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। कुछ वक्त तक दोनों की मुलाकातें होती रहीं और फिर 3 साल बाद 1993 में दोनों ने शादी का फैसला किया। गुवाहाटी से करीब 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता में इंद्राणी अपने नए जीवन साथी के साथ जिंदगी की नए सफर पर निकल चुकी थी। अब वो इंद्राणी बोरा से बन चुकी थी इंद्राणी खन्ना। साल 2001 का ये वो वक्त था जब कोलकाता में संजीव खन्ना अपनी जिंदगी में तन्हा रह गए थे। इंद्राणी अपनी बेटी विधि के साथ जिंदगी के एक नए सफर पर निकल चुकी थी। वो सफर जो उन्हें कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचा सके, वो सफर जो उन्हें शोहरत और दौलत के ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सके। गुवाहाटी के बाद कोलकाता और कोलकाता के बाद मुंबई अब इंद्राणी का नया ठिकाना बन चुका था। साल 2001 में मुंबई आकर इंद्राणी खन्ना ने अपनी प्लेसमेंट एजेंसी खोल ली थी। साल 2002 में एक तारीख ऐसी भी आई जिसने इंद्राणी खन्ना के सपनों को हकीकत में तब्दील करके रख दिया। प्रेसिडेंट होटल में इंद्राणी की मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई। इंद्राणी की स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी से ये पहली मुलाकात थी, लेकिन ये पहली मुलाकात ही इंद्राणी की तकदीर बदलने वाली थी। ये बात शायद खुद इंद्राणी ने भी ना सोची होगी। पीटर मुखर्जी से शादी करने से पहले इंद्राणी 2 बार शादी कर चुकी थी। इंद्राणी उर्फ परी बोरा पहली बार साल 2002 में अखबारों की सुर्खियों में जब आए, जब उस वक्त यह बावड़ी की ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर शख्स पीटर मुखर्जी अपने से 16 साल छोटी महिला को डेट कर रहे हैं। शादीशुदा पीटर उस वक्त 46 साल के थे। उनको अपनी पहली पत्नी से 2 बेटे राहुल और रॉबिन मुखर्जी हुए थे। उधर इंद्राणी भी
पहले से शादीशुदा थी और उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी जिसका नाम विधि था। लेकिन इंद्राणी के लिए पीटर मुखर्जी के करीब आना जैसे उनकी मनमानी मुराद के पूरे होने जैसा था, क्योंकि इस वक्त तक पीटर मुखर्जी मार्केटिंग की दुनिया से निकलकर स्टार इंडिया जैसे उस बड़े टीवी नेटवर्क के सीईओ बने थे जो भारत में एंटरटेनमेंट की दुनिया की परिभाषा बदल रहे थे। खास बात यह है कि पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी से शादी करने से पहले उन्हें भी स्टार इंडिया में नौकरी दिलवा दी थी। जब दोनों की दूसरी शादी हुई तब इंद्राणी स्टार इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हेड थी और उम्र में पीटर मुखर्जी से 16 साल छोटी थी। दरअसल पीटर से शादी करने से पहले इंद्राणी ने संजीव खन्ना से तलाक ले लिया था और इसीलिए संजीव और इंद्राणी के बीच बेटी विधि की कस्टडी को लेकर कानूनी जंग भी छिड़ी थी। इसी कानूनी लड़ाई में पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी का साथ दिया और जब इंद्राणी को विधि की कस्टडी मिल गई तब पीटर मुखर्जी ने न सिर्फ इंद्राणी से ब्याह रचाया बल्कि उनकी बेटी विधि को गोद लेकर अपनी बेटी भी बना लिया। ब्रिटेन में जन्मे पीटर मुखर्जी ने अप्रैल 2002 में जब इंद्राणी मुखर्जी से शादी की तो यह खबर अखबारों की सुर्खियां भी बनी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त तक पीटर मुखर्जी मीडिया इंडस्ट्री की एक बड़ी शख्सियत बन चुके थे। यही वो वक्त था जब वो अपनी बेटी शीना बोरा और मिखाइल बोरा के सीधे संपर्क में आए और यहीं से फिर अपने पहले पति के बच्चों के साथ उनकी करीबियत बढ़ती चली गई। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी का बुना रिश्तों का ये जाल उस वक्त और ज्यादा उलझने लगा जब साल 2006 में उनकी बहन बनी उनकी बेटी शीना वोरा मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने पहुंची। पढ़ाई के दौरान ही शीना बोरा पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के संपर्क में आई और फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों लिव इन में रहने लगे। रिश्तों में सौतेले भाई बहन राहुल मुखर्जी और शीना बोरा के इस नए रिश्ते ने इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी और इसी के बाद से फिर इन चारों के बीच रिश्तों में तलखियां भी बढ़ती चली गईं। साल 2012 में इंद्राणी की बेटी शीना अचानक लापता हो गई। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं कराई गई। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर श्याम मनोहर को गिरफ्तार किया था जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। रायगढ़ के जंगल में एक्सपर्ट की टीम पहुंची जहां से शीना का शव बरामद हुआ। परतें खुली तो रिश्तों की सच्चाई सामने आ गई। मां पर बेटी के कत्ल का आरोप लगा। आरोपों के घेरे में इंद्राणी का दूसरा पति संजीव खन्ना भी है। पीटर पर भी सच जानते हुए पुलिस को गुमराह करने का आरोप है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई केस की जांच कर रही है और अदालत जल्द ही इंसाफ करेगी। साल 2014 की शुरुआत, दिल्ली का लीला पैलेस होटल। इसी होटल के कमरा नंबर 345 से आई एक महिला की मौत की खबर। इस 5-स्टार होटल में जिस महिला की मौत हुई थी वो थी पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर। कश्मीर के सोपोर में जन्मी सुनंदा पुष्कर ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। कई लोगों के साथ उनके रिश्ते बने तो कई लोगों के साथ उनके रिश्ते टूटे भी। आइए अब आपको सुनंदा पुष्कर के जीवन की पूरी कहानी दिखाते हैं। तारीख 17 जनवरी 2014, जगह होटल लीला पैलेस, दिल्ली। यही वो तारीख थी जब सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर दुनिया के सामने आई थी। सुनंदा अपने कमरे में मृत हालत में पाई गई। शुरुआत में सुनंदा की मौत को खुदकुशी माना जा रहा था लेकिन वक्त के साथ साथ इस केस में एक के बाद एक कई मोड़ आ गए। जुलाई 2014 में सामने आई सुनंदा की मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया था कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं, जहर देने से सुनंदा की जान गई है। सुनंदा पुष्कर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी। मौत के इस हाई प्रोफाइल मामले में कब कब क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी सुनंदा पुष्कर। सुनंदा की कहानी शुरू होती है श्रीनगर से 63 किलोमीटर दूर सोपोर इलाके से, जहां के बुमई गांव में वो साल 1964 में पैदा हुई थी। सुनंदा के पिता पी अंदास भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे। सुनंदा की पढ़ाई श्रीनगर में हुई थी। 19 साल की सुनंदा ने 1983 में अपनी पहली नौकरी होटल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर शुरू की। सुनंदा को पहला प्यार संजय रैना से हुआ। 20 साल की उम्र में शादी हुई और 21 की उम्र में तलाक हो गया, जिसके बाद सुनंदा जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई। सुनंदा को पहला प्यार संजय रैना से हुआ। 20 साल की उम्र में शादी और 21 की उम्र में तलाक हो गया, जिसके बाद सुनंदा जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई।
1985 में श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचकर सुनंदा ने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। इसी दौरान सुनंदा की मुलाकात हुई केरल के व्यवसायी सुजीत मेनन से, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। पति सुजीत के साथ सुनंदा भी दुबई चली गई, लेकिन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का कारोबार करने वाले सुजीत का कारोबार कमजोर होता चला गया, जिसके चलते वो केरल वापस लौट आए और कुछ दिनों बाद सुजीत का निधन हो गया। इसके बाद सुनंदा कुछ वक्त के लिए टोरंटो चली गईं और फिर दुबई में ही बस गईं। दौलतमंद और ऊंची पहुंच रखने वाले नामचीन लोगों के बीच सुनंदा पुष्कर की पैच दिनों दिन बढ़ती गई, लेकिन सुनंदा और शशि थरूर की नजदीकी की खबर बहुत कम लोगों को पता थी। आईपीएल में कोची टीम का विवाद न खड़ा हुआ होता तो शायद सुनंदा पुष्कर का नाम दुनिया के सामने आता ही नहीं, और जब नाम सामने आया तो सुर्खियों में आ गया सुनंदा और शशि थरूर का प्यार का रिश्ता। तत्कालीन आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने खुलासा किया था कि सुनंदा पुष्कर की हिस्सेदारी रोंदेवू टीम में है, जिसका नाता कोच्ची टीम के साथ था। सामने ये भी आया कि शशि थरूर ने कोच्ची टीम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। विवाद का असर यह हुआ कि करीब सुनंदा को 70 करोड़ के शेयर वापस करने पड़े, शशि थरूर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और कोची टीम को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। सुनंदा की दो शादियां हो चुकी थीं, वहीं थरूर का भी सुनंदा से पहले दो बार रिश्ता टूट चुका था, लेकिन साल 2010 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 2014 तक सब कुछ सही था। अचानक शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट हुए, जिसे पहले थरूर ने फर्जी बताया, जबकि बाद में सुनंदा ने बताया कि ये ट्वीट उन्होंने ही किए थे ताकि पाकिस्तान पत्रकार मेहर तरार की शशि थरूर से संबंध जोड़ने की कोशिशों का खुलासा हो सके। ये मामला शांति ही हुआ था कि अचानक सामने आई सुनंदा के मौत की खबर। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। साल 2014 के मौत के इस मामले में साल 2015 में कई बड़े खुलासे हुए, जिससे ये तो साफ हो गया कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं थी। सुनंदा की मौत जहर से हुई थी, लेकिन सवाल ये कि आखिर सुनंदा के शरीर में जानलेवा जहर पहुंचा कैसे। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने मामले को मर्डर का मामला तो मान लिया, लेकिन हत्या किसने की, साजिश किसने रची, किस तरह से सुनंदा को मौत की नींद सुलाने के लिए प्लानिंग की गई, ये अभी भी एक राज बना हुआ है। इस केस की कड़ियों को जोड़े तो केस का और तो नजर आता है, लेकिन अभी तक पुलिस की तफ्तीश केस का छोर नहीं ढूंढ पाई है। आपको एक एक करके ये पूरा मामला समझाने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि इस मामले में अब तक कौन कौन से अहम मोड़ सामने आए। इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने इसमें DCP की अगुवाई में SIT बनाई थी। हमारा एक्शन प्लान है हमारे पास में, और एक्शन प्लान के मुताबिक ही जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। SIT इसके ऊपर में काफी गंभीरता से इसको देख रही है। सुनंदा मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत को हत्या का मामला माना था। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की मौत को खुदकुशी मानने से इनकार करते हुए धारा 302 के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले ने उस वक्त पलटी खाई जब दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के बिस्तर पर आई एम्स के एक्सपर्ट पैनल की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में सुनंदा की हत्या की वजह जहर से होना बताया गया। हालांकि SIT अभी भी इस मामले में उलझी है कि सुनंदा के जिस्म पर जहर पहुंचा तो कैसे पहुंचा। एम्स के एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुनंदा को जहर इंजेक्शन के जरिए या फिर मुंह के जरिए दिया गया। सुनंदा की मौत किस जहर से हुई या वो कौन सा जहर हो सकता है, इसके बारे में रिपोर्ट में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। US की एक जांच एजेंसी FBI की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि सुनंदा की मौत पोलोनियम या किसी अन्य रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से नहीं हुई। सुनंदा की मर्डर मिस्ट्री में मोड़ उस वक्त भी आया जब BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा की मौत के मामले में साजिश का गहरा शक जाहिर किया। मर्डर मिस्ट्री की हत्या का मामला दर्ज होने के बाद सुनंदा के भाई अशोक कुमार ने भी कहा था
मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से अब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ। शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह के बयानों के मुताबिक 17 जनवरी 2014 की सुबह सुनंदा ने उसको सफेद सूट लाने को कहा था। नारायण का कहना था कि इसके बाद जब वो दोबारा होटल पहुंचा तो सुनंदा से जीते जी मुलाकात नहीं हो सकी। सुनंदा पुष्कर का शव रहस्यमय हालात में 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला पैलेस के उस कमरे में मिला था जहां वो अपने पति शशि थरूर के साथ ठहरी हुई थी। सुनंदा की मौत की जानकारी 17 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे खुद शशि थरूर के जरिए लोगों के सामने आई। इसके बाद हुए पोस्टमार्टम और विसरा की जांच के बाद जुलाई 2014 में आई अंतरिम मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि सुनंदा की मौत सामान्य नहीं है और उसकी मौत जहर से हुई थी। वक्त बीतता गया, पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई। पुलिस ने वक्त वक्त पर दावे किए कि जल्द ही इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन सुनंदा की मौत अभी भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। साल 2015 खत्म होते होते एक और मर्डर मिस्ट्री सुर्खियों का हिस्सा बनी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने 40 दिन के भीतर ही केस की गुत्थी सुलझा ली। कॉलेज के दिनों में एक महिला टीचर से छेड़खानी अभिषेक के कत्ल की वजह बन गई। एक बड़े कारोबारी के बेटे अभिषेक का कत्ल दरअसल एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन सवाल है कि अभिषेक का कत्ल किया क्यों गया। चलिए इस राज से हम पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कत्ल से जुड़े एक एक पहलू को। किमसी जैन पेशे से टीचर थी, लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिससे तंग आकर उसे कॉलेज छोड़ना पड़ गया। वजह बना अभिषेक। दरअसल अभिषेक एक रसूखदार कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था। कॉलेज में पढ़ाने वाली किमसी जैन पर उसकी बुरी नजर थी। यहीं से शुरू हुई अभिषेक के कत्ल की कहानी। हत्या के अपराध के एविडेंसेस को कैसे छुपाना है ये उसने तय किया, और न सिर्फ ये तय किया कि उसको एविडेंस को कैसे छुपाना है, उसने ये भी तय किया कि एक नए किस्म के एक अपराध को जो डाइवर्ट करे, कृत्रिम अपराध का एक सीन कैसे क्रिएट कर देना है, ये सब उसने पहले से तैयारी कर ली। किमसी जैन के पति विकास ने अभिषेक के कत्ल का प्लान बेहद शातिर तरीके से बुना था। कुछ ऐसा कि एक बार तो पुलिस भी चकमा खा जाए। बकौल पुलिस, विकास ने अभिषेक को मौत के घाट उतारने से पहले इस पूरी वारदात की छोटी से लेकर छोटी चीज की प्लानिंग की थी, ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हाथ उस तक कभी ना पहुंच पाए। किमसी ने अभिषेक से तंग आकर कॉलेज तो छोड़ दिया, लेकिन अभिषेक ने उस पर बुरी नजर रखना नहीं छोड़ा। परेशान किमसी ने इस बारे में अपने पति विकास और चाचा अजीत को बताया, और उसी के बाद विकास ने अभिषेक के मर्डर की साजिश बुन डाली। बकौल पुलिस, वारदात वाले दिन भी किमसी ने अभिषेक को अपने चाचा अजीत के भलाई के किराए वाले घर पर बुलाया। अभिषेक उस घर पर पहुंचा, जिसके बाद हथियारों के साथ पहले से मौजूद विकास और अजीत ने मौका देखकर अभिषेक की हत्या कर दी और फिर गड्ढे में दफनाकर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। वारदात के कुछ घंटे बाद विकास ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद अभिषेक के फोन से उसके घर वालों को फिरौती के लिए कॉल किया और फिर अभिषेक के मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। हालांकि विकास की ये शातिर कोशिश ही पुलिस के लिए सुराग बन गई, और 40 दिन बाद आरोपी पुलिस के शिकंजे में पहुंच गए। जो उसकी पत्नी है किमसी कंबोज पहले अभिषेक के यहाँ काम करती थी, फिर बाद में छोड़ दी थी और विकास से उसकी शादी हो गई थी, और किमसी को काफ़ी आपत्ति थी अभिषेक के, जो अभिषेक उससे आपत्तिजनक आवश्यकताएं उसके सामने रखता था जो कि उसे पसंद नहीं थी, और इसकी शिकायत उसने अपने पति और अपने चाचा से की थी। अभिषेक के अपहरण और हत्या के इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की करीब 35 टीमों ने मिलकर काम किया। छत्तीसगढ़ के बाहर भी कई शहरों में इस मामले के तार खंगाले गए। मर्डर की इस वारदात में कातिल ने पुलिस को हर तरह से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस केस को सुलझाकर यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और बदमाश कभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं हो सकता। हम यही दुआ करते हैं कि अपराध और अपराधी आपके जीवन से दूर रहें। आपकी सुरक्षा ही हमारा मकसद है, और साल 2016 में भी तफ्तीश
आपको जुर्म की हर खबर से सावधान करता रहेगा। इसी वादे के साथ आपसे इजाजत लेंगे और आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तफ्तीश की इस पूरी टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।